कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर इन 10 संकेतों में से एक भी संकेत अगर आपको मिलता है तो जान लीजिए कि आपके ऊपर खाटू वाले की कृपा है, बाबा श्याम की, भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर। बाबा श्याम से जुड़े हुए 10 संकेत आज मैं बताऊंगी, बाबा श्याम से जुड़े हुए 10 ऐसे संकेत जिन संकेतों से आप भी जान सकते हैं कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर है या नहीं, और खाटू श्याम बाबा अपनी कृपा अपने भक्तों पर कैसे करते हैं और कैसे देते हैं संकेत कि बाबा श्याम हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में मैं पूरी बात बताऊंगी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। हम हर रोज पूजा आराधना करते हैं बाबा श्याम की, भगवान की, तब हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम हम पर प्रसन्न है या फिर नहीं। हम खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं, उनके आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्या आप जानते हैं कि वह हमें संकेत देते हैं हमारे ऊपर बाबा की कृपा है या नहीं? तब चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में बाबा श्याम के 10 संकेतों के बारे में, जिनसे आपको भी पता चलेगा कि बाबा श्याम आपके साथ हैं या नहीं, या फिर आपको भी मिला है इनमें से कोई एक संकेत। नंबर एक, आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं बाबा श्याम की, और पूजा में घी या फिर तक में किसी भी तरह का फूल बनता है या फूल जैसी आकृति का कुछ बनता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पूजा के दीपक में फूल बन जाता है, तब हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें ये किस बात का संकेत मिल रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने जो दीपक जलाया है मंदिर में तो उसमें फूल बन जाता है, तब आप इसे देखकर घबराए नहीं, और तब आप समझ लेना कि बाबा श्याम और अन्य देवी देवताओं की जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वो आप पर प्रसन्न है और आप पर उनकी कृपा बनी हुई है। नंबर दो, जब हम हर दिन खाटू श्याम बाबा की पूजा आराधना करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो हम घी का दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। पूजा के आखिर में हम आरती करते हैं, तब हमारे दीपक की लौ ऊंची जलने लगती है, ज़्यादा ज़्यादा जलने लगती है, तब आपको ये भी लगता है कि दीपक में शायद आग लग गई है, लेकिन वो ऊंची लौ होने के कारण ऐसा लगता है। आपने दीपक की बाती छोटी लगाई है पर फिर भी लौ ज़्यादा है, तो समझ लेना कि बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम पर उनकी कृपा बनी हुई है। बाबा श्याम ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, आप सिर्फ सच्चे मन और भाव से भक्ति करें भगवान की। तीसरा संकेत जिनसे हम जान सकते हैं कि बाबा की कृपा हम पे बनी है या नहीं, अगर आपको रात में सोते समय बार बार सपना आता है, अगर आप सपने में भगवान को देखते हैं, बाबा श्याम को देखते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं, बाबा श्याम जी की मूर्ति देखते हैं, खाटू धाम मंदिर सपने में देखते हैं, तो समझ लेना कि आप पर बाबा की कृपा बनी हुई है, भाव से प्रसन्न है। चौथा संकेत, कई बार ऐसा मन करता है हमारा कि हम इस चीज़ को ले लें, खरीद लें, लेकिन लेते समय मन में कुछ दुविधा आ जाती है और हमारा मन दूसरा हो जाता है, यानी कि हमारा दूसरा मन लेने से रोकता है। ऐसा अक्सर सभी लोगों के साथ होता है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम उसे लेने से मना करते हैं, तो कभी पैसों के अभाव में भी आकर मना कर देते हैं कि हमारे ऊपर और भी कर्जा हो जाएगा। तब आपको परेशान नहीं होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बाबा श्याम नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त किसी भी तकलीफ में हो, वो हमेशा सद्बुद्धि देते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आप पर बाबा की कृपा बनी हुई है, तो समझ लेना चाहिए कि आप पर बाबा श्याम की विशेष कृपा है, तब भगवान आपके पूजा पाठ से प्रसन्न है।
जो भगवान हमेशा आपको कष्ट में पड़ने से बचाते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के कष्ट में पड़ जाएं। अगर आप उस सामान को खरीद लेंगे तो आप पर कर्जा हो जाएगा, इसलिए आपका दूसरा मन उस वस्तु को लेने के लिए रोकता है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप पर किसी भी प्रकार का कर्जा हो जाए और आप कष्ट में पड़ जाएं। पांचवा संकेत। पांचवें संकेत से हमें ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह मान सम्मान मिलता है, हर क्षेत्र में आदर मिलता है, कम मेहनत पर भी सफलता मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, तो समझ लेना कि बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसका मतलब है कि बाबा श्याम आपके हर परिस्थिति में खुश रखना चाहते हैं। आपको हमेशा भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए, बड़े ही भक्ति भाव से पूजा करते रहना चाहिए। जिन लोगों से भगवान प्रसन्न रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना भी दुख क्यों ना हो, वो हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से घबराते नहीं हैं। वो हमेशा हर परेशानी को हंसते मुस्कुराते आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 6, अगर आप बाबा श्याम की पूजा आराधना कर रहे हैं और आपने पूजा में बाबा श्याम को फूल या फूल माला अर्पित की है और पूजा करते समय अगर आपके समक्ष फूल गिर जाए उन पर चढ़ाया हुआ, तो समझ लेना कि बाबा श्याम आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं और आपके जीवन में सुख संपत्ति का आगमन होने वाला है और आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। इन संकेतों से हमें पता चलता है कि बाबा श्याम का आशीर्वाद हमारे साथ है। नंबर 7, अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं बाबा श्याम की और धूप बत्ती जलाते हैं, उसके बाद अपनी पूजा समाप्त करने के बाद आरती करने के बाद धूप बत्ती को आप मंदिर में रख देते हैं, उसके बाद कभी कभी आपको ये देखने को मिलता होगा कि धूप बत्ती का धुआं भगवान की तरफ जा रहा है, वो सारा धुआं भगवान की तरफ है, तो समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपकी पूजा आराधना से बाबा श्याम प्रसन्न है। नंबर 8, जब हम अपने पूजा घर में बैठे हैं पूजा करने के लिए और अचानक से दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है, तब आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि पूजा करते समय बीच में कैसे उठकर जाएं। अगर आपके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति है तो वो दरवाजा खोल देगा, और अगर कोई नहीं है तो तब आपको जाना ही पड़ेगा और गेट पर आप देखते हैं कि कोई मेहमान आया हुआ है या फिर कोई ब्राह्मण है या माता पिता खड़े हैं या फिर आपके गुरुजी हैं, तो समझ ले कि भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर और किसी का भी निरादर ना करें और मान सम्मान करें, हो सके तो खाली हाथ ना जाने दें। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ कभी ना कभी, तब भगवान ये संकेत देते हैं, हम आपकी पूजा पाठ भाव से प्रसन्न हैं, हम आपके साथ हैं। नंबर 9, यदि आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं स्नान आदि करके और आपने सुगंध का कोई इस्तेमाल नहीं किया है और इत्र धूप फूल जैसी सुगंध आती है, तब आप समझ लेना कि भगवान का वास है आपके घर में और आप पर उनकी असीम कृपा बनी हुई है। जब सच्ची भक्ति भाव से बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं इत्र फूल जैसी सुगंध आने लगती है। नंबर 10, जिन लोगों पर बाबा श्याम की कृपा होती है उन्हें तमाम परिस्थितियों के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है, ऐसे में कोई भी घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थितियों में सामान्य रहता है, हर दुख को हंसते हंसते सहता है, ऐसे लोगों पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है, बाबा श्याम का सर पर हाथ रहता है, तभी ये दुखों को सहने की क्षमता रखते हैं, इनका बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, कलेश है, तो परेशान नहीं होना, और आपके साथ ये संकेत हो रहे हैं आपकी पूजा आराधना के समय
इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है तो समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपकी पूजा से बाबा श्याम प्रसन्न हैं, आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। क्या होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा आराधना करते हैं और फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख है, और जो पूजा नहीं करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, तब मनुष्य पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। तब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है और पूजा पाठ करते रहना है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों को दुखी देखना नहीं चाहता है। बस आपकी पूजा पाठ के माध्यम से आपके कष्ट कम हो रहे हैं, दुख कम हो रहे हैं, और बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जय।